शाहजहाँपुर में आज किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के किसान नेता पहुंचे और कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए इस महापंचायत में क्षेत्र के हजारों की तादाद में किसान भी शामिल हुए। वहीं महापंचायत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, विधायक कुणाल चौधरी, विपिन वांगड़े भी मौजूद रहे। दोपहर से शुरू हुई महापंचायत देर शाम तक चलती रही। महापंचायत के बाद मीडिया से मुखातिब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, तीन कानून उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, वह इनमें मंडियां खत्म हो जाएंगी व प्राइवेट मंडियों के माध्यम से किसानों का शोषण होगा और यही कारण है कि किसान आंदोलन करने को मजबूर है। विंध्य किरण के लिए शाहजहाँपुर से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, आपने जब कैमरे पर बोलते हो, जब आप मीडिया बात ये है कि इस पूरे आंदोलन में हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ता एक ही बात कह रहे हैं कि हमने इन कानूनों के माध्यम से किसान को आज़ाद कर दिया। किसान पहले बंधन में काम था, पहले भी किसान जहां मन चाहता था बेचता था, मंडी में लाता था मंडी में बेचता था, मंडी के बाहर बेचता था मंडी के बाहर बेचता था, रुकावट कहाँ थी? फिर ये कानून लाने की जरूरत क्या थी? कानून केवल ये एक साथ तीनों कानून क्यों लाए गए? इसलिए लाए गए क्योंकि 18 से 20 लाख करोड़ का कृषि उत्पादन का जो बाजार है उसमें मोदी जी के अरबपति खरबपति जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उसमें खरीद नहीं कर पाते थे क्योंकि कृषि संविधान के अंतर्गत राज्यों का अधिकार है और कृषि उपज मंडी में हर व्यापारी को लाइसेंस लेना पड़ता है और बड़े अरबपति खरबपतियों को संभव नहीं कि हर मंडी में जाके लाइसेंस लें। इसलिए ये तीनों कानून लाए गए और धीरे धीरे ये मंडियां समाप्त हो जाएंगी और प्राइवेट जो मंडियां खुलेंगी उसमें कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, उसको केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता है। अभी कोई भी व्यापारी खरीद करता था तो उसके लिए उसकी संपत्ति का ब्यौरा उसे देना पड़ता था, उस पर नियंत्रण था मंडी कमेटी। अब इन मंडी कमेटियों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और शाहजहाँपुर मंडी का किसान यदि चेन्नई का कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग पर सामान खरीद लेगा तो 3 दिन बाद उसको पेमेंट करना है। अब 3 दिन बाद पेमेंट करने में वो उसको कहाँ ढूंढेगा? माल तो चला गया। अब किसान इस कानून के अंतर्गत अदालत में भी नहीं जा सकता। ये कानून का प्रावधान क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि बड़े व्यापारी जो हैं इन सारे बंधनों से बाहर निकले, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हम गांव-गांव जाकर उनको समझाएंगे। सर, पश्चिम बंगाल और बाकी राज्य